ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते बड़ा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराती तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर बास न परिया रे। लगे सारी दुनिया नु तार के आए सी मला पानू पे, सारी दुनिया तार के आए थी मला पान के, सारी लापन के आई दुनिया तार के आए ती मुलापन के प्यारे आए थी मला पानी के संगते, आए थी मला पानी के आए थी मला पानी के जीवा बाबा, आए थी मला पानी के तार के आए थी मला पान के। सहाई जी के भजन कारण हार, सबसे ऊंचे
जानी है नानक नाम प्यारा। परम सत्कार योग जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र उच्ची सुची ते निघी गोदां आनंद मान रही गुरु रूप गुरु सारी सात संग जीओ जिथे आप जी माई पाई आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारां तों छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र उच्ची सुची ते निघी गोद विच पुज के अपनी जिंदगी दे अमोलक समय नूं गुरु चरणां विच लगा के सवलियां करन दी खेचला जानी कृपालता कर रहे हो। उत्थे रबी जोत जो 1905 दे विच जिवें गंगा हिमालिया पर्वत तों थले उतरदी आ निरंकार दे विच इक जोत तुहाडे वर्गे मेरे वर्गे जीवां दा उद्धार करन वास्ते संत बाबा ईशर सराड़े वाले संतां दे रूप विच प्रगट हुई। तू एक फूल था तेरे जलवे हजार थे, तू एक साज था तेरे नगमे हजार थे, ना आहे भरी ना शिकवा किया, जबान से भी कछु ना कहा गया, हम दिल पे हाथ धर के रो दिए जब किसी ने तेरा नाम लिया। माफ करना एक बेड़ी होंगी जिद दो तीन माफ करन यात्री बैठ के दरिया तू किसी नदी तू पैर पार होंगे ने, एक थोड़ा जा वड्डा बेड़ा होंगे जिद च भी पंजी मुसाफर बैठ के बिठा के मला दरिया तू पार करदा, एक होर वड्डा होंदा, कई ऐसे ऐसे बेड़े होंगे ने जेडे 500-500 मुसाफरां नू यात्रियों नू मला बेड़े दे विच बिठा के दरिया तू पार करदा। संत महाराज और दरगाही मला सन जेड़ा उन्हां दी संग चा के उन्हां बेड़ा पार हो गया। अज तुसी महापुरखां दी याद मना रहे हो, उन्हां दी पावन पुत्र याद मना रहे हो, मेरे वर्गा महापुरशां दे जीवन नूं की बयान कर सकदा। इंग्लैंड दे विच मैनूं किसे एक प्रेमी ने गल दसी, हर कोई अपने महापुरखां दी तारीफ करदा, करनी बनदी भी आ, जिथों कुछ मिलदा उत्थे दी वड्याई करनी, उत्थे दी तारीफ करनी, उत्थे दी उस्तत करनी फर्ज बनदा भी आ। एक प्रेमी ने गल दसी, कहन लगा बाबा जी, कहिंदा मैं संत महाराज बेनती कीती संगत नूं नाल लैके कि थोड़ा जा कीर्तन ज्यादा कर दिया करो, आपां जाणदे आ महाराज दी अपनी कैस्ट च कदे कहिंदे 14-14 घंटे कीर्तन कर जांदे सन, सारी रात कीर्तन करदे रहे, पहलियां दे विच महापुरख खड़े होके कीर्तन करदे सन। माफ करना मुकदी गल की, कहन लगा मैं बेनती कर बैठा बाबा जी कोई कीर्तन दा समा कुछ ज्यादा ला दिया करो। संत कहिंदे भोलिया की हो जूगा, कहिंदा संगत दा भला कुछ ज्यादा हो जूगा। कहन लगे प्रेमियां संगत दा भला सिर्फ कीर्तन हो सकदा, कहिंदा जे चाहिए ना असीं एक फुरने दे विच तीन लोग ते 14 पवन मुक्त करके रख दईए खालसा जी, जे असीं चाहिए एक फुरने दे विच कहिंदे तीन लोग ते 14 पवन मुक्त करके रख दईए। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਰੇ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯੁੱਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਲ ਯੁੱਗ ਤੂੰ ਸਤਯੁੱਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। माफ करना कई ऐसिया गल भी करते हैं कि संतों के भोरिया जन्ने कीमती जोड़े इन्ने कपड़े, उन्हें अकल के अन्या ने जमाना नहीं वेख्या, राड़े की टक्की च सत सत दिन दिया समाधियां, तो जदों संत बाबा ईशर सर राड़े वाले की गोदी च सप आके बैठे रहते सन, सप आके बैठे रहते सन।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਨ ਸਤ ਸੰਕੀਰਤਨ ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੜੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਫੇਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਲਾਉਣਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫੇਸ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੜੰਗਾ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮੜੰਗਾ ਜਾਂ ਫੇਸ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮਾਮੇ ਵਰਗਾ ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਾ ਸਰ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜੂਹ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂਰੀ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸਾਂ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਧੰਸ ਸੋਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਖਿਆਨੇ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥੀ ਦੇਖਣਾ ਜਰਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਇਹੜੀ ਲੈਲਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮਜਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਓ ਸੰਗੀਓ ਇਹ ਕੂਕਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਮਜਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਲੈਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਆਖੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਆਖੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਆਖੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਆ ਆਖੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਆਖੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਹੀਂ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਮਜਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਤੁਰ ਜਿਓ ਜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ 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 ਸੱਚ ਖੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੈਲਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਜਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮਾਰਗ ਦਿਨੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਰੇ ਜਪਾਂ ਤੇ ਤਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ
जपते तपन दा फल मिलता है उतन करके साधुआं दी अरे जपते तपन दा सारे जपां से तपन दा फल मिलता है उतर करके साधुआं दी सारे जपां से तपन दा सत सत तप सब चंगे सिद्धा पुरखा किया वड़े आया सरदार बूटा सिंह जड़ा किस समय हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर भी रहा एक दिन कित इकट्ठे हो गए कहन लगा बाबा जी आज जो मैं इस मरतबे ते पहुंचे कहिंदा पहलियां दीयां गल्लां ने महापुरुख इनान कर रहे सन राड़े वाले कहता मैं बेनती की बाबा जी हुक्म होवे ते हैंड पंप मैं चला दिया कह लगा भी मैं हैंड पंप चलाना शुरू किया महापुरुख इनान करी गए इनान करी गए माफ करना ये तो कर्मी आप अपनी के नेड़े के दूर अज दुनिया के लोग कहते हैं भेवे को बड़ा पैसा खोती का सिर है साढ़े को साढ़े को संत बाबा ईशा सिंह राड़े वाले संतान की कृपा करता जी तुम्हारी कृपा से दुद्ध पछाण तू मेरी ओट तू है मेरा मान कहन लगा जदू मैं पसीना पसीना हो गया कहता मैनू संत लगे कहन काका अज की सेवा तेनू एक दिन दिल्ली दिल्ली दे तहत तक पहुंचाऊगी खालसा जी दिल्ली दे तहत तक कहिंदा मेरे मन च ख्याल आया मैं अपने बजुर्गों नूं दर्शन करावां ऐसे शंकावादी शंका करदा अपने संतां नूं जी ये रब दा रूप मानदे ने जी कलगियां वाले पातशाह फरमांदे ने आत्मरथ जो जानी सोहा खालस पद में मुझ में पास में ओ रंजक नाही बेदा कहिंदा मैं अपने बजुर्गों ने बेनती की थी मां बापू चल तेनू एक संत दा दर्शन करा के लियावां आपे हर एक रंग है आपे बहु रंगी शुद्ध पावै नानका साई गल चंगी गुरबाणी तो कहती कौ कबीर जन दिया पलीता सारे पढ़ो कौ कबीर जन दिया पलीता तिन तैसी झल तिन तैसी झल देखी बंदे तिन ने जी एक पीड़ा बोलदा सवेर दे समय एक लून तेल वेचन वाला बाणिया अदरक वेचन वाला बाणिया एक पलवान ते एक रब दा भगत ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇ ਬੀਂਡਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੂਣ ਤੇਲ ਅਦਰਕ ਲੂਣ ਤੇਲ ਅਦਰਕ ਉਹ ਤਾਂ ਲੂਣ ਤੇਲ ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ
कहिंदा पहलवान कहिंदा नहीं कहिंदा कहिंदा फिर की कहिंदा कहिंदा खा क्यों कर कसरत खा क्यों कर कसरत संत कहिंदा तुसी दोवें दोवें झूठे हो ओ कहिंदा की कहिंदा संत दी बीना की बोलदा कहिंदा करतार तेरी कुदरत जसन गाहना किसी ने वेख्या जानी जान भगवान दा रूप है सी जानी जान भगवान दा रूप है सी बिना बोलिया दिला दिया जानदा सी ओदे चरना विच जो आ गया ओ नंद बाणी दा मानदा सी जेकर कीती ओदी किसे निंदा गलियां दा कट्टा छानदा सी माफ करना कहिंदा मैं अपने बजुर्गां नूं लै के गया मैं महापुरखां नूं नमस्कार कीती कहिंदा मैं अपने बापू नूं क्या बापू मत्था टेक कहिंदा मैनूं लगा कहिण बेटा तू कहिंदा सी मेरा प्यो कहिंदा तू कहिंदा सी तैनूं संतां दे दर्शन करवा के लियावां संत कित्थे ने कहिंदा मैं क्या कुर्सी ते बैठे ने आंदा बूटा सिया झूठ बोलदा हां जां सरदार बूटा सिंह जिंदा जागदा है ओ बूटा सिया तू झूठ बोलदा कित्थे ने संत इह तां गुरु नानक साहिब बैठे ने जदों इह कहिंदा जदों मेरे प्यो ने कही संत महापुरख बाबा ईश्वर सिंह लगे कहण कह लगो बापू जे कुछ वेख ही बैठे ते चौपी कर जा जे कुछ वेख ही बैठे ते चौपी कर जा नहीं मबेद ना जाने साथ दी महिमन नहीं मबेद ना जाने साथ दी महिमन नहीं मबेद ना जाने साथ दी ਸਾਦਗੀ ਮਹਿਮਾ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੇ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਣ ਤੇ ਤਾਂ ਬਖਿਆਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸੰਤ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾੜਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕੁੰਬਾਈ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕੁੰਬਾਈ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮਾਹੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਮਾਹੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਮਾਹੀ
बाबा इश सिंह जी ओ तेरी पट्टी सी पट्टी कमाई बाबा इश सिंह जी ओ तेरी पट्टी सी पापे पाया पंच दर पिछू दे फिर अकले दा हार कर ओ रोड़ा दी गुर करी बिछाई भारी करी तपस्या अज मैं गुरु नानक साहब की तपस्या नू भाई गुरदास ने अपनी वारां च बयान किया है जिन्हें जिहड़े बजुर्गां ने संत बाबा ईशा सानू राड़े वाले ढक्की दे विच तप करदे वेखी है ओ जान दे ने लोकी गल्लां करदे रहे समय मेरे कोल है नहीं भारी करी तपस्या सतगुरु नानक ने भारी करी तपस्या सतगुरु नानक ने भारी करी तपस्या करी तपस्या वड्डे पागहा च बनी आई जद ना मंत्री मिनिस्टर एमएलए जा प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट सहु चुकदा ना वो कहंदा मैं कसम खा के कहना मैं जेड़ा काम करांगा बड़ी इमानदारी ते वफादार दे नाल करांगा संविधान दे अकॉर्डिंग करेगा दास गुरु ग्रंथ साहिब जी हजूरी च कह रहा है दास जेड़ी भी गल करेगा अपनी हद बीती करेगा कपूर माफ करना कपूर थले दे इलाके च एक पिंड पैंदा उन्होंने इलाज नहीं सी पहला दी गल्लां ने मैनू लगे कि संत जी कृपा करो मैं कृपा की करनी है राड़ा सर चला जाए बचन तो बड़ी दूर की गल सी जड़ी राड़े की नहर विच गल गल पानी विच खड़े होकर महापुरखा ने तपस्या की माफ करना मैं कहा राड़े दी नहर दे विचों ना एक बोतल जल्दी भर के ला जाओ दोवें जी पी लियो जे उन्हां दे साथ साथ पंज पुत्र होए की दसीए महापुरखां दीआं बख्शिशां अज इंग्लैंड अज अमरीका अज कनेडा हफ्ते दे हफ्ते उन्हां लोकां वास्ते जिथे महापुरखों के नाम से स्थान बनाए ने गुरद्वारा सचखंड ईश्वर दरबार माफ करना जितू हफ्ते दे हफ्ते एक दिन का लंगर होमलैस पीपल जिन्होंने असी कहने बेघरे लोग उसे तो बेघरे लोगों के नाम से जाता है बाबा जी इन्ना चेर छड़िया गए तो तुम क्या जाके आयो पर हूँ जो कहीं जाए जाओगे तो जरूर वेखना और जिते 500 टीन देसी घो का पे है जिते ढेर लगे पैने जिते ढेर लगे पैने देसी घ्यो दे जिते ढेर लगे पैने ठंडिया दे जिते ढेर लगे पैने जूस दे कमाई है प्यो दादे का फुल ठाक जाना था मेरे मन खावो खर्चो तल मल पाई सोट रहा मैं सच दो जाई बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर जाते देखे ने चीफ मिनिस्टर जाते देखे ने बड़ा बड़ा बिरला सेठ वर्गा सेठ जाते देखे ने कह तू ग्रैज नहीं करू करेगा दास मैनू एक गल कहिंदा ओए बाकी तो ठीक है भवे आए होमे च बोलते ने होमे लख लानत उस पुत दे जमने नू जिन्हों अपने प्यो ते माण नहीं कहते भेवे आला माण च बोलता
लख लानत उस पुत दे जमणे नूं बाबा जिहनूं अपने प्यो दा मान नहीं, और लख लानत उस मरीद दे जमणे नूं जिहनूं अपने गुरु पीर दा मान नहीं। गल तां जी जात मेरे फल है क्या मोहिशन था, खुद सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। जदों महापुरख सच खंड कहने आज दे दिन महापुरखां दे पांच भौतिक पवित्र शरीर दा जल प्रवाह गुरद्वारा भंभौर साहब दरियाए सतलुज दे कंढे दे वास्ता उस दरिया विच उस विच कीता गया। मोटरां वाले कारां वाले स्कूटरां वाले किन्ने सन, राणा साहब को ला के खालसा जी गुरद्वारा भंभौर साहब तक संगतां दीआं लैणां लगियां होईआं सन। माफ करना पंजाब दा चीफ मिनिस्टर उस जमाने च ज्ञानी जैल सिंह सी, हैलीकाप्टर दे राही जदों उत्थे पुज्जिआ उहने दो शब्द ऐसे कहे सन, कहण लगा वर्मा ने चार वेद उच्चारण कीते सन, वर्मा ने चार वेद उच्चारण कीते सन, संत बाबा ईशा सर राड़े वाले पंजवां वेद सन। अज महापुरखां दे सचखंड जाणते दुनिया दे विचों रूहानियां दी दुनिया खत्म हो गई है खालसा जी। हर कदे पुत हर ही जेहा भेद न जानो, माफ करना मैं दूर नहीं जाना चाहता, काफी स्टेजा दे धनी महापुरख इत्थे बैठे ने, माफ करना। एक होंदी बादशाही एक होंदी है पातशाही, बादशाहां दी शक्ति बादशाहां दीआं अखां बंद करन दे नाल ही खत्म हो जांदी है। बादशाह गया ओदी बादशाही भी गई। एक होंदी बादशाही एक होंदी पातशाही, जिवें असीं अरदास करदे हां पहली पातशाही गुरु नानक साहिब, दूजी पातशाही गुरु अंगद देव महाराज। पातशाहां दी शक्ति पातशाहां दे हुंदा भी काम करदी आ, और पातशाहां दी शक्ति उहनां दे जाण तों बाद वी उसे तरह काम करदी आ। गुरु नानक साहिब संगतां दीआं भावनां उदों भी पूरीआं करदे सन जदों शरीर करके सन। अज भी पातशाह दा नां लै के भावनावां पूरीआं होंदीआं ने। गुरबाणी च पातशाह फरमाउंदे ने नानक होर पातशाहियां कूड़ियां नाम रत्ते पातशाह, संत महाराज दीआं बख्शिशां जिन्ना चिर शरीर करके इस मात लोक दी धरती ते रहे, संत महाराज दीआं बख्शिशां उदों भी काम करदीआं सन। महापुरखां दीआं बख्शिशां अज भी उस तरह काम करदीआं ने, क्योंकि सच्चा अमर सच्ची पातशाही रब दे प्यारियां दी जी। सच्चा अमर सच्ची पातशाही रब दे प्यारियां दी, सच्चा अमर सच्ची सच्ची पातशाही रब दे प्यारियां दी। सच्चा अमर सच्ची पातशाही रब दे प्यारियां दी, सच्चा अमर सच्ची।
सच्ची पाशाही सच्चे सेती राते सच्चा सुख सची बड़ी आई जिसके चेतन आज महाराज दी पावन पुत्र याद चाप बैठे गुरु की संगत मैं कई कहते ने जिंदगी च बने ना कुछ भी एक बार कहते बहुत फुल ओने चिर बची है कली ओने चिर बची जिन्हें चिर फुल नहीं बनी फुल बनी तो गई बकरा ओने चिर बचिया जिन्हें चिर लीला छोटा जि बकरा बनिया थे अभी बोलते छली ओने चिर बची है जिन्हें चिर दुगा जहा छोटा जि छली बनी थे हां जी गई गन्ना ओने चिर ही बचिया जिन्हें चिर बाबा गन्ना नहीं बनिया गन्ना बनिया तो गया तेरी भी चढ़ती कला उन्हें चिर रहने जिन्हें चिर सिख बनेगा महापुरखों का सेवक बनेगा जो संत कहना शुरू कर दिता ना फिर गया एक बार कह दे बाहर महाराज तो रब सन रब की रीस कि कर सकता रब की रीस करके किसी ने मरना रब की रीस करके किसी ने मरना आप सारे महापुरखों के श्रद्धालु हाँ प्यो न अपने सारे पुत प्यारे होंगे ने मुकदी गल की इन्हें एक शब्द प्रवान कि समा बनिया ते आप जी के दर्शन करांगे ओइयां भुल्लां दी माफी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला कहण नूं ते बड़ा कुछ है पर नहीं वक्त दी कदर करनी ए चंगे बुलारे दी पहचान होया करदी बुलाओ बुलाओ फते समा ज्यादा लग गया होना जी तुहानूं पता है हां जी लग गया होना जी समा क्योंकि एक शताब्दी चलदी है तू जलंधर तू छोटे मोटे स्टेशन ते नहीं रुकदी पर एक गल याद रखना बाबा जिदा समा लग गया जिदा समा गुरु ग्रंथ साहब के चरणों च लग गया दरगाह च डंका बज गया चलिया पशु जन्म सवार वाजा वाए सी वाजा मानस क्या विचारा ते लोग सुनाए सी जिदा समा गुरु ग्रंथ साहब च लग गया होर की चाहिदा अरदास करया करो सच्चे पातशाह ओ साडे सिर ते मेरे पर हाथ रखो ते चढ़दी कला रहे बाकी दुनिया दा बटने दा रब नूं नहीं लोग मानदे नास्तिक ने तेरियां गाला कढ़दे ने माफ करना जी गन्ना ओ तोड़ना दा सब तू मोटा ते लम्मा ओदा इहो कसूर है ना मोटा ते लम्मा क्यों हो गया कह दे बहर ठीक बाबा छली ओ तोड़नी जी सब तू मोटी ते लम्मी ओदा इहो कसूर है ना मोटी ते लम्मी क्यों हो गई है अमरूद ओ तोड़ना दा सब तू मोटा हां जी अंबो तोड़ने का सब तू मोटा ते माफ करना क्यों ओदा कसूर कि मोटा ते बड़ा क्यों हो गया मुख की गल की खालसा दी असी निंदा उन्हां दी करनी जिन्हां दी चढ़दी कला रहिंदी पर मेरे पातशाह कहिंदे ज्यों ज्यों निंदक निंद करे ज्यों ज्यों निंदक निंद करे नित नित हार जन चढ़े सवाई कहिंदा जनी जनी महापुरखां दी लोकी निंदा करदे ने कहिंदे दिंदे समय चंद्रमा चमकदा वेख्या तुसी बोलदे क्यों नहीं ਵੇਖਿਆ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਓਨਾ ਚਮਕਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਓ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤਦ ਵੀ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਏਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੱਡੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜ ਪੁੱਠਾ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਟੇਢਾ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਤਰਸ਼ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੀਜ ਨੇ ਉੱਗਣਾ ਹੀ ਉੱਗਣਾ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਨੇ ਉੱਗਣਾ ਉੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੇਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਦ ਤੇ ਵੇਖ ਹਾਂ ਕੱਦ ਤੇ ਵੇਖ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਊਠ ਤੇ ਗਡਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਦੀ ਇੱਕ ਟੱਲੀ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਊਠ ਦੇ ਗਲ ਸੀ ਟੱਲ ਗਡਰੀਏ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਂਦੀ ਬਾਪੂ
साड़ी बकरी दे गाल च छोटी दी टली दे ओ कुम्हारां दे कूड़ दे कि गाल च एडा वड्डा टल ओ कुड़ी नूं कहिंदा ओदा कद दे वे ओदा कद दे वे खैर गुरु नानक करे कृपा महापुरख तुहाडे सिर ते रखण हत्थ ते तुहाडी राह चढ़दी कलाई वेखदे रहीए अज गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पहला प्रकाश दिवस है वेखो कित्थे महापुरख तुहानूं जोड़ गए जान लग्या भी बाणी ना जोड़ गया ते अज महापुरशां दा अज दे दिन शरीर जल प्रवाह होया सी पवित्र श्री जल प्रवाह होया सी आप सारिआं नूं इत्थे आया जी आया नूं जी आया ते इनक शब्द प्रवान नानक नाम चढ़दी कला तेरे पले सरबता भला बला फते वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतह। जा का मीत सजन है समिया तिस जन को कोह का की कमिया जा की प्रीत गोविंद स्यों लागे दुख दर्द प्रमता का भाग रस नाहीं लपटायो जाका कहया दर गए चले सो किस को नदर लया तले जाका सब किछ ताका होवे नानक ताको नानक ताको सदा सुख होए मेरे राम राय मेरे राम राय तू संता
ते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मिटे कोई सदगुण का दिलासा। तेरी बख्श न मिटे कोई सदगुण का दिलासा। सदगुण फल पाए आठ गहर अरादे। तेरी शरण तेरे परवास पंच दुष्ट लैसा दे। तेरी शरण तेरे परवास पंच दुष्ट लैसादे। तेरी शरण तरे परवास तेरी शरण तेरी शरण तेरे परवास दुष्ट ले साध है। पंच दुष्ट ले साध है मेरे राम राम मेरे राम राम। संता का ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किच कर्म न